हेलो दोस्तों, मेरा नाम वेदांत और आप देख रहे हैं टेक्निकल किंग चैनल। क्या आपके फ़ोन में भी ऐसी कुछ टाइप की कॉलर स्क्रीन आती है या फिर अभी से आने लगी है? फ़ोन आने के बाद ऐसी स्क्रीन, फ़ोन उठाने के बाद ऐसी स्क्रीन और बैकग्राउंड में टास्क करते वक्त ये अनोइंग सा सर्कल जो आपको टास्क पूरे करने नहीं देता, बीच बीच में आता है। आपने कुछ भी कुटाने के, आपने बिल्कुल भी छेड़छाड़ की नहीं, बस अचानक से ये सब कुछ आने लगा और आप इस कॉलर स्क्रीन से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है कॉल करने में। बस चाहिए यार ये हट जाए जल्दी से और पहले वाली कॉलर स्क्रीन कैसे भी करके आ जाए, तो इसी के लिए ये शानदार वीडियो बना है। सो हे गाइस, फ्रस्ट्रेटेड डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है कॉलर स्क्रीन को यूज करके, भाई इसे ठीक कैसे करे? सोल्यूशन निकालने से पहले ये बता तो करना पड़ेगा कि भाई ये एरर आया कहाँ से, ये स्क्रीन आई कहाँ से। तो मुझे थोड़ी देर बाद पता चला कि ये करतूत तो आपने ट्रू कॉलर भैया की है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अरे भाई, ट्रू कॉलर को उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आपस में सुलझा लेते, गुनहगार मिल गए, उसे ठीक करने का तरीका मेरे पास है। तो भाई, इस ट्रू कॉलर की कॉलर स्क्रीन को डिसेबल करने का बहुत सिंपल ट्रिक है, कुछ मिनट में डिसेबल हो जाएगा। तो भाई, इसको डिसेबल करने का सलूशन सेटिंग्स में जाके मिलेगा क्या? हाँ, सेटिंग्स में जाके तो मिलेगा, लेकिन फोन के नहीं, ट्रू कॉलर के। तो भाई कहाँ है वो सेटिंग, उसे डिसेबल कैसे करे, चलिए देखते हैं। तो ये रहा भाई आपका ट्रू कॉलर। तो चलिए मैं आपको किसी को कॉल करके दिखा देता हूँ कि वो ट्रू कॉलर का फुल स्क्रीन आईडी आता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रू कॉलर का फुल स्क्रीन आईडी आ रहा है। तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन गाइड सिखाने वाला हूँ कि मैंने ये कैसे डिसेबल किया था इसे और पहले जैसे मेरी स्क्रीन वापस लाई थी। तो चलिए हम डिसेबल करते हैं इसे। तो सबसे पहले स्टेप आपको ट्रू कॉलर की सेटिंग्स में जाने। तो ट्रू कॉलर को ओपन किया हमने और ये कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। बाद में यहाँ पे साइड में एक तीन लाइन का ऑप्शन आता है, तो उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल होने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सेटिंग्स के ऑप्शन में क्लिक करना है आपको। और सेटिंग्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, पर आपको क्लिक करना है फोर्थ वाले ऑप्शन पे, कॉलर आईडी वाले ऑप्शन पे। तो कॉलर आईडी पे आपने क्लिक कर दिया तो यहीं पे सारा माजरा है। तो यहाँ पे देखिए फुल स्क्रीन आईडी है, मतलब ये फुल स्क्रीन पूरा दिखाएगा, और अगर आपने क्लासिक पॉपअप पर क्लिक कर दिया तो ये ऐसा छोटा सा पॉपअप आएगा, तो यही आपको चेंज करना है। तो आपको फुल स्क्रीन से क्लासिक पॉपअप पर चेंज कर देना है और फिर आपका वो हो जाएगा छोटा सा स्क्रीन, आपकी और नॉर्मल स्क्रीन हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पहली स्क्रीन वापस आ गई है और वो ट्रू कॉलर की पूरी स्क्रीन हट गई है। तो भाई वीडियो कैसे लगी? अगर जानना है कि ट्रू कॉलर से दूसरों का फोन ट्रैक कैसे करें तो ये वाली वीडियो देखो, और अपने फोन ऐप में ही छुपा हिडन सीक्रेट को जानना है तो ये वाली वीडियो देखो। बाकी चैनल पे खजाना पड़ा है, सब्सक्राइब कर लो।